हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हैं। तो मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपकी मैं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं सम ऑफ नंबर्स। तो क्या सम ऑफ नंबर्स में है, क्या चीज़ें यहां पर हैं, सभी को सीखते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी सीखते हैं और फिर ट्रिक से भी। तो आप कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना देर करते हुए आते हैं अपने सवालों पर और अपने फॉर्मूलों पर। तो क्या है, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आते हैं, समझते हैं। जैसे क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन उसने दिया 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक, किसी एक नंबर तक दे दिया, सपोज 20 तक। तो ये सम बताना है, तो कैसे ये सम निकलेगा? तो ऐसे सम के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, सीख लेंगे। जैसे फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है बच्चों? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं, 1 + 2 + 3 + 4 और n यानी जो भी लास्ट में नंबर दिया है। तो इन सभी का सम क्या होता है? सम का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है n n+1/2। जो भी लास्ट में नंबर दिया है वो संख्या लिखें, एक अधिक लिखें और जोड़ के बटे दो कर दें, यही प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। तो ये आप अच्छे से याद रखोगे, याद कर लेना है, एक दो बार लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आएगा। कई क्वेश्चनों में बीच में काम आ जाता है और कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर जो हम अभी पढ़ रहे थे, 1 + 2 + 3 और 20। तो यहाँ जो सबसे लास्ट में नंबर है इसी को क्या मानेंगे हम, n मानेंगे। तो n 20 हो गया, तो अब इसका जोड़ करना बड़ा आसान है। तो फॉर्मूले से करना है, ऐसे मतलब जाना कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, फॉर्मूले से ही करना है n। तो 20 है ना, क्या है फॉर्मूला हमारा, n n+1/2। तो सबसे पहले 20 और फिर 20 और 1 21/2, ये कट गया कितनी बार, 10 बार, तो कितना हो गया 210, ये ही हो गया आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूले याद है। तो कभी भी प्राकृत संख्याओं का, वो भी प्रथम, एक से शुरू होती हैं, लगातार होती हैं, तो फॉर्मूला हमारा होता है n n+1/2। मैं कई कई बार मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें रट जाएं। आप भी एक से अधिक बार बोलिए, लिखिए, जितना ज़्यादा उससे जुड़ोगे उतनी अच्छी तरह चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने लिखा 11 + 12 + 13 और इस तरह से up to 30 तक, ये सम निकालना है। इन सभी का योग हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इन सभी का योग? अब देखो क्या यहाँ भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसको n मान लेंगे, तो यहाँ भी हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या था अभी आपने देखा, फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृत संख्या, जब प्रथम होंगी तभी काउंट की, तभी फॉर्मूला लगेगा, वरना फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये प्रथम तो है नहीं, कहाँ से शुरू हो रही हैं, ये तो 11 से शुरू हो रही हैं, एक से नहीं हो रही हैं, तो अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसे हम उस रूप में बनाएंगे, फॉर्मूले के रूप में, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो जोड़ने लग जाओ 11 12 13, ऐसे तो एक नंबर लेने के लिए सारे नंबर खराब कर देंगे अपने, है ना। आते हैं तो किस तरह से करेंगे, अब देखो ये एक से स्टार्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक से स्टार्ट बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे कि हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 और लिख दिया 30 तक, कि ये क्या बात हुई, ज़बरदस्ती लिख दिया, ज़बरदस्ती नहीं लिखा है, जो नहीं था वो लिख दिया, और जितना फालतू लिखा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, क्वेश्चन तो हमारा केवल इतना था, क्वेश्चन तो बस इतना था, लेकिन 1 से 10 तक एक्स्ट्रा लिख दिया, उसको माइनस कर देंगे 1 + 2 + 3 और कहाँ तक, 10 तक।
तो जितना भी फालतू लिखा उतना ही क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ये तरीका हम अपनाएंगे तो हम फॉर्मूले पर आ जाएंगे। तो अब इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, 30, ठीक है, ये एक साथ है 30, तो 30 एन की वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला यही है हमारा जो हम बार बार याद कर रहे हैं, तो 30 और 30 और ये 31, 31, 30 और 31 बटे 2 ये, और माइनस यहाँ पर एन कितना है, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक से शुरू है, उसमें फॉर्मूला लग गया, इसमें भी लग गया, तो ये 10 है, ये एन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 और 1 11 बटे 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितने इस बार कट गया, 15 बार, और ये कट गया 5 बार, 15 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 15 कम 15, 15 थी 45 और 1 46, और माइनस इस 5 की गुणा 11 में होगी, 11 पंजे 55। अब इसको हम घटा लेंगे बड़े आसानी से, कितना आ गया ये 410, और यही हो गया आंसर। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत बेहतर समझ में आई होंगी। अब वो हमें 11 से दे, 21 से दे, 31 से दे, कहीं से भी दे, आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से कर लोगे। और किस तरह से वो हमको दे सकता है क्वेश्चन, वो भी समझ लेते हैं। आते हैं तो फॉर्मूला आपने याद कर लिया है, एक और क्वेश्चन पर आते हैं, आप फटाफट करके बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + और अप टू कितना लिखा, ये हमने लिखा अप टू 30 तक, ये सब योग ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्या ये एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट नहीं है और सारी संख्याएं भी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, सम संख्या हो गई। तो इसके लिए पहले हम बेस से सीखेंगे फिर डायरेक्ट याद करेंगे। तो इन सम संख्याओं के लिए क्या फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला कोई नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, केवल 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा लीजिए 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर इससे 2 कॉमन लेंगे 3, ये 4, और ऐसे यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा, 15। अब देखिए बाहर 2 कॉमन आ गए, अंदर क्या आ गई, प्राकृत संख्याएँ आ गई 1 से लेकर 15 तक। तो इसी 15 को क्या कर लेंगे, n मान लेंगे, अब बड़ा आसान हो गया, 2 गुना, और बाकी में लगा देंगे फॉर्मूला, कैसे, 15 गुणा 16 बटे 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बस ये गुणा करनी है, तो 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 और 9 24, यही आंसर हो गया। तो आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करने हैं। जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 6 + 12 + 18 और --60 तक, तो इसको कैसे करोगे, 6 कॉमन लेकर इसको कर दोगे। तो आप इसको करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से करोगे ये चीज़ें फटाफट हो जाएंगी, इसमें अलग से कोई फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है। एक फॉर्मूला और याद करना है, वो किस तरह से है उसे देख लेते हैं। जैसे यदि आपको क्वेश्चन दे दिया है 1 + 3 + 5 + 7 और कितने, यहां लिख दिया है 15 पदों तक, 15 पदों तक, तो कैसे करोगे ये, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, समझ लेते हैं क्या है। तो हमारा मेथड क्या है कि प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्या, ये सभी विषम संख्या होंगी, सम होंगी तो 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन विषम होगी तो विषम में तो कॉमन नहीं आ सकता ना, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है, याद रख लेना आगे, ठीक है। यानी यदि ऐसे लिखा 1 + 3 + 5 + 7 और कैसे n पदों तक, तो इसका योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो आप इसको याद कर लेंगे, तो बताओ अब इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा।
15 पद है ना, तो 15 पद है तो क्या कर देंगे, सीधा सा 15 का स्क्वायर यानी कि 225 यही आएगा और यही आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह से पूछे तो आपको सीधे पद गिन के बता देने हैं। अब कुछ कहेंगे सर पद ना दिए हो तो कैसे करना है, ऐसे भी तो हो सकता है कि पद ना दिए हो तो क्या करना है, तो पद नहीं दिए हैं तो कैसे करना है, हम समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन, सपोज उसने ऐसे दे दिया है 1+3+5+7 और up to 99, इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो कैसे योग ज्ञात करेंगे भाई, पद कितने हो गए, टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 99 तो आ रहा है, 99 संख्या नहीं है, तो कैसे करते हैं, तो ध्यान रखते हैं एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर विषम संख्या। जब मैंने विषम संख्या बताई थी तो वहाँ पर बताया था एनवी विषम संख्या क्या होती है, एनवी विषम संख्या 2n-1, एनवी विषम संख्या 2n-1 होती है। तो अब हम यहाँ से पता लगाएंगे 2n-1 बराबर कितना है, 99, तो n बराबर क्या हो गया 99+1/2 यानी कि 50, यानी ये कौन सी है, इसको हम कह सकते हैं 50वां पद, कौन सी संख्या हो गई ये, 50वीं संख्या हो गई। तो अब क्वेश्चन करना आसान हो गया, तो अगर इस तरह से दिया है तो आप पद निकाल लोगे कौन सा पद है और फिर बड़े आसानी से कर दोगे। तो ये 50वां पद हुआ, तो 50वें पद को कैसे निकालोगे, 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, यही आंसर हो गया। इन सभी पदों का योग कितना हो जाएगा, 2500 योग हो जाएगा। तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले, लाइक करते हुए चले, हम भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा शेयर करते हुए चलेंगे। आते हैं आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, इनको अच्छे से नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। इससे आगे यदि आता है तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगला हम देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग ये क्या होता है, यानी वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और कहाँ तक, n का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होगा, n n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है, लिख लेना है अपनी नोटबुक पर, कई कई बार फेर कर याद कर लेना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अब किस तरह से, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और up to 10 का स्क्वायर। तो कैसे करोगे, तो इस 10 को ही क्या मान लोगे, n मान लोगे। अब लगा दो फटाफट फॉर्मूले में, तो 10 n+1 10 और 11 और 2n+1 तो 10 × 20 = 21 बटे 6, n की जगह क्या लिख लेना है, 10 लिख लेना है और फिर इस फॉर्मूले में लगा देना है। अब इसे काट लेंगे हम, 3 से कट जाएगा 2 बार 3 से कट जाएगा 7 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो 11 × 55 × 7 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35 और 3 = 38 यही हो गया आंसर। तो ये आप समझ रहे हैं, इस तरह से इन चीज़ों को हम बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, और भी आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी हो सकता है कि अगला क्वेश्चन है ये हमारा 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर --20 का स्क्वायर। तो कैसे करोगे, जैसे वहाँ 2 कॉमन लिया था तो यहाँ सभी पर स्क्वायर है, तो कॉमन हमारा स्क्वायर में ही आएगा, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा,
वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, इससे कॉमन लेंगे तो ये थ्री का स्क्वायर और ये कितना टेन का स्क्वायर। अब ये तो आपने अभी सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया 385 अभी आया है ना, और टू का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब 4 से इसमें गुणा हो जाएगी और आप इसे बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये 0 4 8 32 34 और 12 और 15। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर यदि आप कॉमन आता है, कॉमन लेते हैं कुछ भी, तो स्क्वायर में ही कॉमन लेना है, क्योंकि सभी स्क्वायर में है तो कॉमन भी कैसे आएगा, स्क्वायर में आएगा। क्योंकि 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, समझते हैं, 2 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर, इसको 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या 1 का स्क्वायर, तो कॉमन उसी तरह से आएंगे। तो आप इन चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन है वो कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए। एक और देख लेते हैं, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। संख्याओं के घनों का योग, घन यानी क्यूब का योग, इसका क्या फॉर्मूला है ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यानी 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और अप टू जहाँ तक भी दिया है n की क्यूब। इसका फॉर्मूला बेहद आसान है, आपने अभी एक फॉर्मूला याद किया था n n प्लस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला याद किया था, बस ये ही फॉर्मूला लिखना है और ऊपर से क्या कर देना है उसका स्क्वायर कर देना है, जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर कर देना है, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। तो आपको एक नया याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है जो सिंपल वाला था एक से एन तक उसका जो भी है उसका क्या होता है एन एन प्लस वन बाई टू, उसका भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो आओ एक क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, फिर आप प्रैक्टिस करोगे और जो नहीं आएंगे वो कमेंट सेक्शन में पूछोगे। 1 का क्यूब, पीछे क्या किया था हमने, हाँ क्यूब लिखे थे ना सभी, ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और अप टू 10 का क्यूब, तो ये करना है। तो इसी संख्या को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, इस संख्या को n मान लेंगे, तो क्या करेंगे 10, 10 और 1, 10 प्लस 1 है ना 11 बटे 2, और जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो गया 10 गुना 11 बटे 2, ये कट गया 5 बार, अच्छा इसका भी क्या करना है स्क्वायर, तो 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर आप कर सकते हो ये 25 और 5 से अगली गुना 6, 5 गुना 6 है ना, 5 छंग 30, तो ये हुआ इसका आंसर, 55 का स्क्वायर क्या आया 3025, और ये ही हो गया आंसर। तो ये भी बड़े सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन भी आप इसी तरह से आसानी से कर सकते हो। तो योग वाले जो भी क्वेश्चन हैं संख्याओं का योग, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आपकी क्वेरी के लिए, आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछोगे, मैं अगली वीडियो में और जो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं योग के वो कराऊंगा। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और जो ना होंगे वो पूछोगे। तो इसी उम्मीद के साथ अभी के लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है और शेयर कर दीजिए, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।